नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। कटिहार में 5 विदेशी अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी मामले में एक हफ्ते बाद कटिहार पुलिस और विशेष टीम द्वारा कटिहार चौधरी मोहल्ले के उस मकान की तलाशी लेने पहुंचे जहां ये कई वर्षों से रह रहे थे। मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में सभी चीजों की बारीकी से तलाशी ली गई। पूरे मामले को लेकर पहली बार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जांच में पहुंचे थे। फिलहाल जांच की जा रही है। अभी आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मकान में मौजूद विदेशी अफगानी नागरिक के जो वॉल्व है उसकी जांच की जा रही है और तलाशी भी जारी है। आगे तफ्तीश में जो बातें सामने आएंगी उसे मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। फरार मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है और गिरफ्तार 5 विदेशी नागरिक जो पूर्णिया जेल में बंद है उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी भी की जा रही है ताकि उनसे जुड़े और भी जो दस्तावेज जो राज है वो सामने आ सके। जो शेष बचे हुए वॉल्व थे या अलमारी थी उसकी तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही कुछ आप लोगों को बताया जा सकता। क्या मिला तलाशी में? कुछ अभी तलाशी चल ही रही है, उसके बाद आप लोगों को बताया जाए। बाहर का भी कोई टीम है या यहाँ की विशेष टीम है? नहीं, यही स्थानीय टीम है और स्थानीय पदाधिकारी और दंडाधिकारी। जी सर, बातचीत सर ये हो रही है कि जो है उन पांचों को सर रिमांड पर लेने की बात हो रही है, क्या पांचों को फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी? तो अनुसंधान की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो भी अनुसंधान के लिए आवश्यक कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और किए जाएंगे। हाँ, अभी फिलहाल है उनके विरुद्ध छापामारी जारी है। स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो फिरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो कटिहार पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहरहाल इनसे पूछताछ लगातार जारी है और देखना यह होगा कि पूछताछ में किस तरह के जो राज हैं ये उगलते हैं। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।